हेलो वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बनाएंगे बेसन का चिल्ला। तो यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया और आधा कटोरी चावल का आटा, ताकि हमारा बेसन का चिल्ला जो होता है ना, वो थोड़ा कुरकुरा हो। ये देखिए, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और हम इसमें ढेर सारे वेजिटेबल डालेंगे, जैसे कि प्याज, टमाटर, मिर्चा, धनिया। आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो था फिलहाल तो मैंने वही डाल दिया। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए, जैसे नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और दही मिर्च। ये देखिए मैंने अभी इसे डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, ये घोल जैसा तैयार करूँगी। और ये देखिए मैंने मिक्स 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 कर दिया। यहाँ थोड़ा सा मेरा बेसन थोड़ा गाढ़ा है, अभी थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसे और पतला करेंगे, ताकि अच्छे से हमारा बेसन का चिल्ला जो है वो अच्छे से तवे पे फैले। ये देखिए हमारा बेसन का चिल्ला का बैटर तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ पे तवा रख दिया गर्म होने के लिए, और इस पे मैंने कलछुल से ना गिरा पड़ा के फैला दूँगी। ये देखिए बिल्कुल ऑमलेट की तरह लग रहा है ये तो। कौन कौन ऑमलेट खाता है कमेंट करिएगा। और ये देखिए हमारा बेसन का चिल्ला फैल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल का तड़का दे देंगे। लो चल जाओ, डाल दिया मैंने ढेर सारा तेल और हमारा बेसन का जो चिल्ला एकदम कुरकुरा हो गया। मैंने इसे पलट दिया, ताप 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 ताप, इसे मैंने मार दिया धुप 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 धुप। ये देखिए मैं थोड़ा सा और तेल डाल दूँगी, फिर इसे तप 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 मार दूँगी और हमारा जो चिल्ला है ना वो तैयार हो जाएगा। जब मारूंगी ना इसे तो ये समझ जाएगा कि मुझे पकना है। ये देखिए मेरा बेसन का चिल्ला तैयार हो गया। अब मैं इसे प्लेट में लगा के केचप के साथ सर्व कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।